माननीय सुशासन बाबू के राज्य में फिर से मुकामा थाना चौक के 10 कदम पीछे अशोक कुमार वर्मा से 2 लाख की लूट की गई, जबकि 25 दिन पहले ही गरीबन पासवान का भी 1 लाख रुपया पानी टंकी के पास से लूटा हुआ था। इन सभी मित्रों को मुकामा थाना के थाना अध्यक्ष कैसर आलम नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि मुकामा थाना में इस संबंध में पूछताछ करने के लिए संवाददाता आनंद भारद्वाज वहां पहुंचे, लेकिन मुकामा थाना प्रभारी बयान देने से इनकार कर दिया, यह वाइट लेने से। आपके साथ क्या हुआ है? हमारा तो पैसा लूटा गया सर। कितना? 2 लाख रुपया। कब? आज 11 बजे दिन में। दिनांक? 9/7/2018। उसके बाद क्या किया आप? हम थाना में गए हैं FIR करने के लिए। कब? वही 11:10 में, 11:15 के लगभग। तो क्या हुआ थाना में? थाना में लिखा पढ़ी हुआ, उसके बाद जो है बोले कि जो है आप आइएगा, रिसीविंग ले लीजिएगा शाम को। फिर शाम में हम गए, जब वो बुलाए तब गए, लेकिन अभी तक हमको रिसीविंग नहीं दी है। फोन वाले की पर सुबह में लीजिएगा। क्या आपको लगता है थाना कार्रवाई कर रही है? उम्मीद तो है सर, उम्मीदें पर ना दुनिया कायम है। थाना क्या बोली है कब तक? हम कार्रवाई कर रहे हैं। उस अमाउंट का आप क्या कीजिएगा? हम अपनी लड़की की शादी के लिए निकाले थे पैसा। शादी कब है? 17 तारीख को हमको तिलक जाना था आसनसोल।